पढ़वो कत को बेर पढ़वो कोनो मेर के नारों के साथ तकिया पारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने रैली निकालकर साक्षरता दिवस का संदेश दिया। दुर्ग के वार्ड 8 तकियापारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को शासन के निर्देशानुसार शाला के विद्यार्थियों व शिक्षकों द्वारा साक्षरता रैली निकाली गई, जिसमें उपस्थित छात्राओं ने नारे लगाते हुए स्कूल से निकलकर शहर का भ्रमण किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन की योजना अनुसार पढ़वो कतको बेर पढ़वो कोनो मेर को नारों से गुंजायमान करते हुए शाला परिवार के लोग समाज को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर साक्षरता रैली निकाली, जिसमें स्कूल की छात्राएं ही नहीं शिक्षक भी शामिल हुए। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षकों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों को एक पूरा मॉड्यूल आया हुआ था, पूरे 7 दिन का अलग अलग दिनों में निर्धारित किया गया है कि ये कार्यक्रम करना है, तो ये रैली उसी उपलक्ष्य में निकाली गई है। इसके अलावा शनिवार भी है तो हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे, जिसमें गीत रहेगा, साक्षरता विषय ही उनको दिया गया है। इसके अलावा रंगोली मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन अभी विद्यालय परिसर में किया जाना है। बच्चे हमेशा बहुत सक्रिय रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, तो जैसे कि आज आपने रैली में भी देखा, बच्चे बड़ी सक्रियता के साथ बड़ी ऊर्जा के साथ नारे लगा रहे थे और इनकी पूर्ण सहभागिता देखने में मिली। मैं एन आर वर्मा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तकियापारा दुर्ग में अंग्रेजी की व्याख्याता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में ये हमारे बच्चों ने एक रैली निकाली और इस रैली का उद्देश्य यही है कि समाज में लोग शिक्षित हों, आगे बढ़ें, सब अपने बच्चों को स्कूल तक भेजें। आज भी बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल आते हैं फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो इन सब तक के हम संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि सभी बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ, इनके पालक भी लगातार अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि वो स्कूल आते रहें और अपने आगे भविष्य को गढ़ें, और यही आज का उद्देश्य था। ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम हमारे स्कूल में और भी आयोजन होंगे, तो उसमें हमारे बच्चों की अच्छी भागीदारी है और पूरे शाला स्टाफ और क्षेत्र के इस मोहल्ले के लोगों के भी एक अच्छी भागीदारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।